अगर किसी भी इंसान को मानसिक बीमारी है, उसके पड़ोस में, उसके घर में या फिर उसके रिश्तेदार में किसी को भी अगर साइकेट्रिक इलनेस है, वो जानकर भी उस बीमारी के लक्षणों को डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। ऐसा माना जाता है, लोगों के मन में ये भ्रम बैठ चुका है कि अगर किसी को साइकेट्रिक बीमारी है यानी कि मानसिक बीमारी है अगर, तो उसकी जो दवाइयां हैं वो लाइफ टाइम यानी कि जब तक वो इंसान जीता है तब तक चलता है, जो कि एक तरीके की अफवाह है। ये जरूरी नहीं कि हर बीमारी की जो दवाइयां हैं वो जीवन भर चले। आपकी सीवियरिटी, आपका लक्षण देखते हुए डॉक्टर उसके समय को निर्धारित करते हैं। तो बात करूं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिक डॉक्टर कैसे ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज सही तरीके से करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि वीडियो में दी गई छोटी छोटी जानकारी से आप अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करें, इसके साथ साथ आप सही समय पर डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा सकें। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो डॉक्टर्स अगर इसका इलाज करते हैं तो सबसे पहले मैं मेडिकेशंस की बात करूं तो ऐसी दवाइयां इसमें दी जाती हैं जो कि आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा दे। जैसा कि मैंने पहले की भी वीडियोस में बात किया है कि ओसीडी में आपका सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ओसीडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस लेवल को बढ़ाने के लिए जिस क्लास की दवाइयाँ दी जाती हैं उनको हम लोग SSRI के नाम से जानते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्लास की दवाइयाँ। ये दवाइयाँ क्या काम करती हैं कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो ओसीडी के सिम्टम्स हैं वो उनके लक्षण कम होने लगते हैं। कौन कौन सी आखिर ऐसी दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं? बात करूं मैं, मोस्ट कॉमन जो ओसीडी में दिया जाता है एसिटल प्राम, ये आपकी 10 mg से लेके 40 mg तक इसका डोज है वो वेरिएंट कर सकता है आपके सिम्टम्स के बेसिस पे। स्टार्टिंग डोज किसी भी बीमारी का ओसीडी में आपका स्लो डोज पे स्टार्ट किया जाता है, लो डोज पे, और ग्रेजुअली इस डोज को बढ़ाया जाता है आपकी सीवियरिटी को देखते हुए। इसके अलावा बात करूं सेल्टालिन भी एक ऐसी दवाई है जो कि SSRI के कैटेगरी में आती है। इसका डोज जो स्टार्टिंग डोज है वो 50 mg से स्टार्ट किया जाता है और मैक्सिमम हाई डोज इसका 400 mg तक रखा जाता है। ये आपके सिम्टम्स पे बेसिस है, सिम्टम्स के बेस्ड रहेगा कि आपका सिम्टम्स कितना ठीक हो रहा है, कितना वो सीवियर हो रहा है, तो उस बेसिस के डोज आपके एडजस्ट किया जाना बहुत जरूरी होता है ओसीडी के मरीजों में। और सेकंड तरीके की अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ कि इसमें ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं SSRI कैटेगरी की, ये आपकी एक एंटी डिप्रेसेंट टाइप की दवाइयाँ होती हैं। इसका जो असर है आपको ठीक होने में, कुछ सिम्टम्स कम होने में लगभग आपको 15 से 20 दिन का टाइम ले लेता है। ऐसा नहीं कि आज आपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, एक डॉक्टर को दिखाया, आपने दवा आज से शुरू की और आपके लक्षण 2-3 दिन में ठीक होने लगे। इसके जो आपको आराम होना शुरू होगा, आपके सिम्टम्स कम होना शुरू होंगे, एटलीस्ट आपको 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो बात करूँ अगले तरीके की जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो होती है आपकी CBT, कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरेपी। ये मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, ये एक तरीके की थेरेपी है। इसमें अगर किसी इंसान को, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक इंसान है उसको बार बार हाथ धोने की आदत लगी हुई है, डॉक्टर क्या काम करेंगे कि उसको धीरे धीरे इस एंटीजन की तरफ एक्सपोज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसके हाथ में बैक्टीरिया डाल दिया गया या फिर कुछ और, उसको ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि भाई तुम हाथ धुलो, मन में उसके जो डर है उस डर को निकालने के लिए उसको उस तरफ मोटिवेट किया जाता है। मेनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ इंसान अपने आप से अगर खुद को ठीक होने की कोशिश करे तो वो ज्यादा मददगार साबित होता है ऐसे मरीजों में। जो CBT का पैटर्न है इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका एकदम से रेंडमली नहीं, किसी भी इंसान को मान लीजिए हाथ धोने की बीमारी है, बार बार धुल रहा है, तो उसको किसी चीज को टच करा दिया और उसको हाथ आप नहीं धोने दे रहे हैं तो वो तो एंजाइटी, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाएगा। तो धीरे धीरे उस चीज के लिए उसको एक्सपोज किया जाता है, उसको समझाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो
इस बीमारी से बाहर आ सके। रेंडमली किसी भी तरीके का किसी भी एंटीजन से उसको एक्सपोज नहीं कराया जाता है ताकि उसको किसी भी तरीके की फर्दर दिक्कत आगे हो। तो दोस्तों ये तो था सीबीटी और कुछ मेडिकेशंस। ये मेनली दो तरीके ऐसे होते हैं जिससे ओसीडी के मरीजों को आराम मिलता है और वो अपनी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के समय की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अप्रॉक्स 1 से 2 साल मिनिमम इसकी दवाइयां चलती हैं, क्योंकि आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आपकी जो ओसीडी की बीमारी है 4 से 5 साल पुरानी हो चुकी होती है। इसलिए इतना समय मिनिमम चाहिए ही चाहिए कि आपको इससे बाहर निकाला जा सके। अगर आप बीच में ही इस थेरेपी और मेडिकेशंस का सहारा छोड़ते हैं तो मे बी आपके जो सिम्टम्स हैं और भी बेकार हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपको ये दवाइयाँ और भी ज़्यादा लंबे समय तक खाना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ओसीडी क्या है, ओसीडी में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, क्या होती है सीबीटी थेरेपी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।